वर्ल्ड कप 2019 के एक अहम मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का भगवा रंग और नीले रंग की जर्सी पहनने पर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कई राजनीतिक दलों ने पहले ही इस रंग पर ऐतराज जताकर इस विवाद को हवा दी थी। अब जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस विवाद को और हवा दे दी है कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ मैच में इसलिए हारी क्योंकि उसके खिलाड़ियों ने भगवा रंग की जर्सी पहने हुई थी। बताएंगे इस खबर के बारे में और भी विस्तार से। उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें। टीम इंडिया की हार के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, आप मुझे अंधविश्वासी कहें लेकिन ये जर्सी ही है जिसने टीम इंडिया के विजय रथ को वर्ल्ड कप 2019 में पहली बार रोका है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट करते हुए कहा था कि इस मैच के लिए पाकिस्तानी फैंस भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं, चलिए मैच के बहाने ही सही, दोनों देशों के लोग कहीं तो एक जैसी सोच रखते हैं। इससे पहले देश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने टीम इंडिया की जर्सी का रंग भगवा किए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सवाल उठाए थे कि भारत सरकार सभी चीज़ों को भगवा करना चाहती है। सपा नेता अबू आजमी ने भी भगवा रंग पर सवाल उठाए थे। बता दें कि ICC के नियम मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोनों टीमें एक जैसे रंग के कपड़े पहनकर नहीं उतर सकती। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया और इंग्लैंड नीले रंग की ड्रेस में मैच खेल रही हैं। ऐसे में टीम इंडिया की जर्सी का रंग बदल दिया गया। मगर दोस्तों, इन नेताओं को क्या पता, जो अब तक मैच जिता रहे थे वो भगवा को मानने वाले ही हैं। तो दूसरी तरफ टीम इंडिया हार कर भी जीत गई। पाकिस्तान हमेशा भारत के जीतने पर रोता था मगर आज भारत के हारने पर भी रोया है क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीम की रेस से बाहर हो गया है, यानी सेमीफाइनल की रेस से ही लगभग बाहर हो गया है। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।